आज बात करेंगे कुछ ऐसी मूवीज की जो रिलीज तो होनी थी थिएटर में, बट अब कुछ मूवीज की रिलीज टाइमिंग जा चुकी है और कुछ की आने वाली है, और अपने अपने कुछ रीजंस है जिसकी वजह से अब ये OTT प्लेटफॉर्म यानी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। तो आज हम इन्हीं की बात करेंगे और मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी 10 मूवीज जो रिलीज होंगी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। लेकिन उससे पहले हेलो गाइज, मेरा नाम है राहुल और आप लोग देख रहे हैं क्राइंग इबोनी। तो अपनी पहली मूवी आती है गुलाबो सिताबो। ये मूवी अमेजोन प्राइम पर रिलीज होगी क्योंकि इसकी रिलीज डेट अब जा चुकी है और अभी तक इसकी रिलीज डेट पर कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है। ये बात कंफर्म है कि ये मूवी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। ड्रामा कॉमेडी मूवी, इसकी मेन लीड में है अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना। आप में से कितने लोग हैं जो इस मूवी का वेट कर रहे हैं? मैं काफ़ी बेसब्री से इस मूवी का वेट कर रहा हूँ। तो अपनी नेक्स्ट मूवी आती है लक्ष्मी बोम। ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हो सकती है और मूवी है साउथ की मूवी का रीमेक। मेन लीड में है अक्षय कुमार। मूवी का थीम स्लैश कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और हॉरर कॉमेडी मूवी है। साउथ की मूवी कंचना का रीमेक है जो कि काफी लोगों ने देखी और पसंद भी की है। अपनी नेक्स्ट मूवी आती है लूडो। ये नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो सकती है। इस मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, बट ये हो सकता है कि मूवी में चार अलग अलग स्टोरी हो। ड्रामा एडवेंचर मूवी, इसकी मेन लीड में अभिषेक बच्चन, राजकुमार राव, आदित्य रॉय और हमारे अपने सबके चहेते पंकज त्रिपाठी। अगली मूवी काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है जो कि है झुंड। ये मूवी नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हो सकती है। मूवी का प्लॉट और स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। स्टोरी बेस है विजय बरसे की लाइफ पर, जो कि फाउंडर है एक स्लम सॉकर NGO के। मूवी में रियल स्ट्रगल दिखाने की कोशिश की जाएगी, इसलिए मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। अपनी पाँचवें नंबर की मूवी है गुंजन सक्सेना दी कारगिल गर्ल। नेटफ्लिक्स पर मूवी रिलीज होगी। मूवी बायोपिक पर बेस होगी जिसमें नो डाउट गुंजन सक्सेना की लाइफ दिखाई जाएगी, जो कि फर्स्ट इंडियन वुमेन एयरफोर्स पायलट है। मूवी रिलीज होने वाली थी 13 मार्च को, लेकिन रिलीज डेट को पोस्टपोन करके 24 अप्रैल कर दी गई। अब उसके बाद का सीन तो तुम लोगों को पता ही है, लेकिन अब ये नेटफ्लिक्स पर कन्फर्मली आएगी। मेन लीड में है इसके जानवी कपूर, अंगद बेदी और हमारे आपके चहेते पंकज त्रिपाठी। अपनी सिक्स मूवी शकुंतला देवी। ये मूवी अमेजोन प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। मूवी बेस है शकुंतला देवी, जिनको लोग ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं, की बायोग्राफी पर। मूवी का कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और अगर रियलिटी को बनाए रखा जाता है और स्टोरी को बिना छेड़छाड़ किए मूवी को रिप्रेजेंट किया जाता है तो मूवी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। मूवी की मेन लीड में है विद्या बालन। अपनी नेक्स्ट मूवी आती है खाली पीली। इस मूवी के बारे में ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं, नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ होगी। ये मूवी टिपिकल इंडियन मूवी, वही रोमांस और एक्शन के ऊपर बेस होगी। देखो क्या पता इस बार अनन्या पांडे का स्ट्रगल मूवी को कुछ स्पेशल करा जाए, कुछ न्यू ले आए, क्या पता। वैसे तो मैं से है कोई अनन्या पांडे का फैन जो वेट कर रहा हो इस मूवी का। अपनी 8th नंबर की मूवी है मिमी। ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ होगी। ये मूवी एक मराठी मूवी का रीमेक है जिसका नाम है माला आई वाई वाई वाई, क्या है यार ये वाई चे, जिसका मतलब होता है आई वॉन्ट टू बी ए मदर। मैंने थोड़ा सा इस मूवी के बारे में पता करा। इस मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा औसम है। जिस मराठी मूवी पर ये मूवी बेस है उस मूवी को 2011 में नेशनल अवार्ड भी मिला था। मेन लीड में कीर्ति सैनन और पंकज त्रिपाठी। ये बंदा यार छाया हुआ है, मतलब इस टाइम कतई चहर। अपनी नेक्स्ट मूवी है शिद्दत। इस मूवी का अभी तक ये कंफर्म नहीं होगा कि ये कौन से OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होगी, बट र्यूमर्स तो यही बताते हैं कि ये OTT प्लेटफॉर्म पर ही रिलीज़ होगी। मूवी रोमांस और ड्रामा पर बेस होगी। इसके डायरेक्टर कुणाल देशमुख, जिन्हें हम जन्नत और जन्नत 2 के लिए जानते हैं। क्या इस बार ये कुछ कमाल कर पाएंगे? मेन लीड में राधिका मदन, सन्नी कौशल और मोहित रैना। अपनी 10वें लास्ट नंबर की मूवी का नाम है इंदु की जवानी। कॉमेडी बेस्ड मूवी है ये और इसकी मेन लीड में है कायरा आडवाणी और आदित्य सेल। अब इस मूवी के बारे में ज़्यादा कुछ बताने के लिए बचा नहीं है और मूवी सीधा आएगी तो ही तुम लोग देख लेना अगर मन करे तो। तो बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और अगर आगे कोई और अपडेट मेरे पास आता है तो मैं तुम लोगों को कन्फर्म कर दूंगा। अगर वीडियो में कोई भी कमी लगी हो या फिर कोई सजेशन हो तुम्हारे पास तो कमेंट करो और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। बाबा जी का ज्ञान फैलाओ यार। लेकिन तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो, हैव अ नाइस डे।